Hey, legal eagles, welcome to the cute Quincy channel. The case in this video, Kailashwati versus Ajodhiya Prakash, is related to Section 9 of Hindu Marriage Act. Section 9 constitute a provision related to restitution of conjugal right. So, Section 9 baat karta hai restitution of conjugal rights ki. Section 9 says, when one spouse withdraws his society from another spouse without any reasonable excuse, the other spouse can file a petition in the court for restitution of conjugal rights. तो conjugal rights matrimonial rights होते हैं, जैसे कि right to have marital intercourse, right to have society, right to have maintenance and right to procreate children, right to have matrimonial home. तो इस केस में matrimonial home से related ही issue है. तो facts इस केस के हैं, Kailashwati, that means wife, is the appellant, whereas Ajodhiya Prakash, that means husband, is the respondent. तो इस केस में Kailashwati और Ajodhiya Prakash की मैरिज हुई June 1964 में. At the time of marriage, दोनों ही अपने अपने villages में teachers थे. So both were employed as teachers in their respective villages. And after the marriage, Kailashwati ka transfer ho gaya husband ke village mein. Aur dono 8 se 9 mahine husband ke matrimonial home mein saath rahe. And after that, husband ne restitution of conjugal right ke liye application file ki court mein against the wife. Aur husband ka ye allegation hai कि 8-9 महीने साथ रहने के बाद वाइफ यानी कि अपेलेंट ने डेलिबरेटली अपना ट्रांसफ़र अपने पेरेंटल होम के नज़दीक करा लिया और ट्रांसफ़र होने के बाद हस्बैंड की विशेस के अगेंस्ट वाइफ अपने पेरेंटल होम में ही रह रही है और हस्बैंड के मैट्रिमोनियल होम में नहीं आना चाहती. हाउएवर द वाइफ सीज इन हर रिटर्न स्टेटमेंट कि वो अपने किसी मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी और हस्बैंड चाहे तो उससे वीकेंड्स पर मिलने आ सकता है. शी नेवर डिनाइड हर एक्सेस और हस्बैंड चाहे तो मैट्रिमोनियल होम उसके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पास स्टैब्लिश कर सकता है. इस कंडीशन पे वो हस्बैंड के साथ रहने के लिए एग्री करती है. उस मैट्रिमोनियल में होम में वाइफ हस्बैंड के साथ रहने के लिए रेडी है, लेकिन वो हस्बैंड के लिए अपनी जॉब गिव अप नहीं करना चाहती. तो ये थे फैक्ट्स. लेट्स सी द इशू ऑफ द. तो क्या हिंदू मैरिज लॉ एक शादी को सिर्फ वाइफ की डिज़ायर पर वीकेंड मैरिज में बदलने के लिए अलाउ करता है? बेसिकली इस केस में इशू है कि मैट्रिमोनियल होम स्टैब्लिश करने का डिस्क्रिशन क्या सिर्फ हस्बैंड का है, और अगर दोनों स्पाउसेस वर्किंग हो तो मैट्रिमोनियल होम किसके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पास होना चाहिए, और ये डिसीज़न किसका होगा, हस्बैंड का या फिर वाइफ का, या दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन दिस केस. तो इस केस की जजमेंट जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये रियलाइज़ करेंगे कि इस केस में कोर्ट ने बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू अपनाया है डिसीज़न देते हुए. तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का साथ रहना नेसेसरी है, बिकॉज साथ रहकर ही दोनों अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ को पूरा कर सकते हैं, और शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का साथ रहना मैरिज का बेसिक रूल है. हाउएवर अगर एक स्पाउस अपनी सोसाइटी विड्रॉ करता है तो दूसरे स्पाउस का लॉस होता है राइट ऑफ कंसोर्टियम या फिर राइट ऑफ कोहैबिटेशन उसका वॉयलेट होता है. तो कोर्ट ने कहा जहाँ पर वाइफ मैट्रिमोनियल होम से अपनी सोसाइटी विड्रॉ करती है
या अलग रहती है हस्बैंड से ड्यू टू द कॉज ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, जैसा कि प्रेजेंट केस में है, जब एक पर्सन ऐसी किसी वूमेन से शादी करता है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है किसी पब्लिक या प्राइवेट सर्विस में, तो क्या एक हस्बैंड जो वर्किंग वूमेन से शादी करता है वो एक कॉमन मैट्रिमोनियल होम में रहने के राइट को गिव अप कर देता है? तो यहाँ पर कोर्ट का कहने का मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी वर्किंग वूमेन से ऑब्वियसली वो रहना चाहता है, सो कोर्ट ने इस एस्पेक्ट के बेसिस पर कहा कि लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई वर्किंग वूमेन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में एंटर करती है तो उसको अच्छे से ये मालूम होता है कि आफ्टर द मैरिज उसे हस्बैंड के मैट्रिमोनियल होम में ही रहना है और हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा. और ये दोनों पार्टीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शादी से पहले इस एग्रीमेंट को इस बात से रिलेट. द सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट जहाँ पर एक हस्बैंड आफ्टर द मैरिज खुद एनकरेज करता है वाइफ को जॉब करने के लिए, और कई बार मैरिज में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों स्पाउसेस को मैरिटल लाइफ चलाने के लिए और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए दोनों को काम करना पड़ता है, और ऐसे टाइम में हस्बैंड अलाउ करता है वाइफ को कि वो मैट्रिमोनियल होम से दूर रहकर जॉब कर सके. तो कोर्ट ने कहा क्या ऐसे केस में भी हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ मैट्रिमोनियल होम में साथ रहने का राइट अबंडन हो जाएगा? सो कोर्ट सेड नो, हस्बैंड का वाइफ को मैट्रिमोनियल होम से दूर रहकर वर्क करने के लिए अलाउ करना वाइफ को परमानेंटली अलग रहने का राइट नहीं देता. द थर्ड एस्पेक्ट, द लास्ट वन, जो कोर्ट ने इस केस में कहा कि वाइफ अगेंस्ट द विशेज ऑफ हस्बैंड मैट्रिमोनियल होम से अलग रहकर एम्प्लॉयमेंट करती है. तो यहाँ पर हस्बैंड की डिज़ायर नहीं है कि वाइफ अलग रहे और अपनी जॉब करे, तो ऐसे केस में वाइफ की तरफ से क्लियरली वॉयलेशन हुआ है हस्बैंड की राइट्स टू सोसाइटी का, और वाइफ का इस तरीके से अलग रहना ऑन द एक्सक्यूज ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट अनरीजनेबल है, और वाइफ ने विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज हस्बैंड से अपनी सोसाइटी विथड्रॉ की है. लेकिन कोर्ट साथ ही साथ ये भी कहता है अगर हस्बैंड को अपना राइट टू सोसाइटी चाहिए और वो चाहता है कि दोनों एक साथ रहें, तो हस्बैंड को ये राइट क्लेम करने के लिए एक मैट्रिमोनियल होम स्टैब्लिश करना होगा जिसमें वो वाइफ को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग डिग्निफाइडली रख सके और उसके कम्फर्ट और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. एज वेल एज कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इन गुड फेथ राइट टू सोसाइटी की डिमांड कर रहा हो वाइफ से, तो ही हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए अप्लाई कर सकता है. द कोर्ट सेड हिंदू लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स वाइफ को हस्बैंड से एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर अलग रहने का राइट नहीं देते, और अगर वाइफ कहती है कि वो हस्बैंड का एक्सेस ऑन वीकेंड्स या और ऑन द हॉलीडेज डिनाई नहीं कर रही है तो भी ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होगा हस्बैंड से अपनी सोसाइटी विड्रॉ करने का. तो ये क्लियर है कि वाइफ अपनी सोसाइटी मैट्रिमोनियल होम से विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ कर रही है इस केस में. इसके बाद भी कोर्ट के पास ये इशू बच गया कि मैट्रिमोनियल होम किस जगह पर लोकेट होना चाहिए. दैट मीन्स मैट्रिमोनियल होम वाइफ के प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पास होना चाहिए या फिर हस्बैंड के प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पास होना चाहिए, और ये किसका डिस्क्रिशन होगा कि मैट्रिमोनियल होम की लोकेशन कौन सी जगह हो? तो वाइफ के काउंसिल ने कंटेंशन दी कि मॉडर्न टाइम में
वाइफ एंड हस्बैंड के पास इक्वल राइट्स हैं और हस्बैंड के पास कोई सुपीरियर राइट नहीं है कि वो लोकेशन ऑफ मैट्रिमोनियल होम डिसाइड करे. और इस केस में वाइफ हस्बैंड के साथ रहने के लिए एग्री है, रेडी है, अगर हस्बैंड मैट्रिमोनियल होम वाइफ के पेरेंटल विलेज में एस्टैब्लिश करे. तो कोर्ट ने वाइफ के इस कंटेंशन के कंटेक्स्ट में कहा कि वाइफ का हस्बैंड की डिज़ायर के अगेंस्ट मैट्रिमोनियल होम से अलग रहकर जॉब करना हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, क्योंकि सभी सिविलाइज्ड मैरिज लॉ के अंदर एक हस्बैंड की ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपनी वाइफ को और अपने चिल्ड्रंस को मेंटेन करे, चाहे फिर उसके पास उनको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी या प्रॉपर मीन्स हो या नहीं, लेकिन उसे उसके ऊपर एक बर्डनसम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे मेंटेन करना ही होता है. लेकिन वाइफ चाहे कितनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसके पास इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसे हस्बैंड को मेंटेन करना है या चिल्ड्रंस या अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है. तो कोर्ट ने कहा क्योंकि हस्बैंड ब्रेड विनर है, यानी कि वो घर चलाता है और फैमिली कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादातर ड्यूटीज़ हस्बैंड के ही ऊपर इम्पोज्ड हैं, तो उसका ये राइट बनता है कि वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना मैट्रिमोनियल होम स्टैब्लिश करे, जिससे उसको अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने में आसानी हो. तो मैट्रिमोनियल होम किस जगह स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, इसका डिसीज़न डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज़ और उनके चिल्ड्रंस को कौन सी जगह ज़्यादा कन्वीनियंस है. और लोकेशन ऑफ मैट्रिमोनियल होम म्यूचुअली डिसाइड करनी चाहिए दोनों पार्टीज़ को मिलकर, और एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट नहीं कर सकती और अपनी मर्ज़ी दूसरी स्पाउस के ऊपर नहीं थोप सकती, जिस तरीके से इस केस में वाइफ ने किया है. सो देयरफॉर द कोर्ट कंक्लूडेड दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ और हस्बैंड की बोनाफाइड इंटेंशन कि वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ हस्बैंड को ये राइट देती है कि वो मैट्रिमोनियल होम की लोकेशन डिसाइड कर सके. आफ्टर दैट अपेलेंट की काउंसिल ने कहा कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो सारे लॉज जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले के हैं वो सब एबोलिश हो चुके हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. तो आप जनरल प्रिंसिपल्स जो पहले थे, जिनके बेसिस पर आप डिसीज़न दे रहे हैं, वो अब अप्लाई नहीं हो सकते. तो कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स नोट किए दोबारा से, जैसे कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. कोर्ट ने कहा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वाइफ को ये राइट देता है कि वो हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सके, एज वेल एज सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी वाइफ थ्रू आउट हर लाइफ राइट टू मेंटेनेंस लेती है और हस्बैंड से उसका राइट है मेंटेनेंस लेने का, एक्सेप्ट जब वाइफ हस्बैंड से अलग तभी नहीं रह सकती जब वो उसके साथ कोई मिसकंडक्ट करे. तो हस्बैंड के पार्ट पर मिसकंडक्ट वाइफ को उसके साथ नहीं रहने का और अपनी सोसाइटी विड्रॉ करने का राइट देता है. यहाँ पर उसके पास मिसकंडक्ट का एक रीजनेबल एक्सक्यूज बन जाता है. तो कोर्ट के अकॉर्डिंग इन लॉज के बेसिस पर वाइफ को जो मेंटेनेंस राइट मिला हुआ है वो इसी ऑब्लिगेशन के साथ मिला है कि वो अपने हस्बैंड के साथ उसके मैट्रिमोनियल होम में साथ रहे. कोर्ट ने मुल्लाज प्रिंसिपल के दो प्रिंसिपल भी इस डिसीजन में कोट किए, पैरा 442 एंड पैरा 555, जिसके अंदर पैरा 442 के अंदर बताया है कि वाइफ इज़ बाउंड टू लिव विद द हस्बैंड एंड टू सबमिट हरसेल्फ टू हिज अथॉरिटी, यानी कि वाइफ बाउंड है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए और हस्बैंड बाउंड है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए. तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मुल्लाज प्रिंसिपल ये कहते हैं कि वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है आफ्टर द मैरिज,
और उसकी जिस तरीके से वो मेंटेन करेगा उसकी छत्र और छाया यानी कि रूफ एंड प्रोटेक्शन में ही उसे रहना पड़ता है। फाइनली कोर्ट डिसाइडेड दैट कि वाइफ की जो ऑब्लिगेशन है हस्बैंड के साथ रहने की अंडर हिज रूफ एंड प्रोटेक्शन वो क्लियर एंड अनइक्विवोकल है। तो सिर्फ हस्बैंड का किसी तरीके का मिसकंडक्ट या फिर उसकी क्रुएलिटी वाइफ के साथ वाइफ को ये राइट दिला सकती है कि वो मैट्रिमोनियल होम से अलग रहे, अदरवाइज वाइफ की ये ड्यूटी बनती है और ऑब्लिगेशन है कि वो हस्बैंड के साथ उसके मैट्रिमोनियल होम में रहे। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि अपेलेंट यानी कि वाइफ डेलिब्रेटली उसने अपना ट्रांसफ़र कराया है मैट्रिमोनियल होम से अलग रहकर अपने पेरेंटल विलेज में रहने के लिए और पिछले एक डिकेड से वाइफ रिफ्यूज़ कर रही है हस्बैंड के साथ रहना, जिससे क्लियरली ये शो होता है कि वाइफ हस्बैंड की ऑब्लिगेशंस को हस्बैंड के राइट टू कंसोर्टियम यानी कि राइट टू सोसाइटी एंड राइट टू कोहैबिटेट को वायलेट कर रही है। सो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर कोर्ट ने ये अपील डिसमिस कर दी। द क्रक्स ऑफ दिस डिसीजन इज हिंदू लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड के साथ रहना वाइफ की ऑब्लिगेशन है और अगर हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है कि वो वाइफ को मेंटेन करे तो वाइफ की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो हस्बैंड के साथ रहे उसके मैट्रिमोनियल होम में और वाइफ का राइट टू मेंटेनेंस हस्बैंड को ये राइट देता है कि वो लोकेशन ऑफ मैट्रिमोनियल होम डिसाइड कर सके। तो बहुत ऑर्डिनरी वर्ड्स में अगर मैं आई ये डिसीज़न आपको कन्वे करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद हर लड़की को अपना पेरेंट्स का घर छोड़ के हस्बैंड के घर रहना पड़ता है, हस्बैंड को फॉलो करना पड़ता है और उसकी छत्र छाया में रहना पड़ता है, ये वाइफ की ऑब्लिगेशन है। और कोर्ट ने बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू अपनाया है इस डिसीज़न को देते हुए और कोर्ट ने ये नज़रअंदाज किया है कि यहाँ पर वाइफ के भी आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वालिटी वॉयलेट हुए हैं, एज वेल एज क्या एक लड़की जो सेल्फ डिपेंडेंट है क्या वो अपने हस्बैंड के मेंटेनेंस देने पर डिपेंड रहे, क्या वो अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर सकती, क्या उसका राइट टू सेल्फ मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं डिसीजन देने में, जो आप कमेंट्स में लिखकर भी इस केस को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।